अभी आप लोगों को बताया कि मुद्दे जो है वो हमारे यहाँ समस्याएं थी सिंचाई की, उस पर हमारी प्रदेश सरकार ने बहुत ही कार्य किया है। हमारे जो केंद्र और प्रदेश की सरकार ने लोगों को लाभ दिया है, जो योजनाएं चल रही हैं उससे जनता इतनी उत्साहित है, प्रफुल्लित है, ऐसा आज तक कभी भी आज़ादी के बाद प्रदेश की किसी भी सरकार या केंद्र की सरकार ने इस तरह का नहीं किया था। जो लगातार एक समय था कि जब हमारे अटल जी की सरकार थी तो योजनाएं चली, लेकिन विगत 10 वर्षों में जब ये कांग्रेस की सरकार थी तो सब रुक गई थी, लेकिन अब जो योजनाएं चल रही हैं हमारी डबल इंजन की सरकार द्वारा, उस मुद्दे को लेकर हम क्षेत्र किस तरह का आप देखे होंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई थी और बहुत ही अच्छा, लेकिन उन लोगों ने कुछ ऐसा एक माहौल क्रिएट करके लोगों के बीच में कुछ अफवाहों को झूठ के सहारे उन्होंने चुनाव जीतने का कार्य किया, लेकिन इस बार जनता सब कुछ जान चुकी है और जो व्यक्ति निर्दल विधायक हुआ था जिसको जनता ने बनाया था, आज उसको दर दर भटकना पड़ा कि उसे किसी पार्टी का टिकट मिल जाए, और सहारा तो ये जान लीजिए कि वो खुद जान चुके हैं कि वो जीत नहीं सकते हैं और जनता ने उन्हें नकार दिया है, तो बाहुबलियों का कुछ चलने वाला नहीं है। सर एक सवाल, अटल जी के ज़माने में बहुत सारे मदरसे ऐड पे लिए गए थे, अल्पसंख्यकों की शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया गया था, क्या इस बार आपकी सरकार बनती है तो उस क्षेत्र में कोई काम होगा? नहीं, देखिए जो भी कार्य होते हैं, अभी इस सरकार की जो योजनाओं को हमने बताया कि इस सरकार में बहुत से हर वर्ग को, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा गांव हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा वर्ग हो जो किसी भी योजनाओं से वंचित रहा है। हमारी सरकार ने बिना कोई भेदभाव किए हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का कार्य किया है और आगे भी सरकार बनेगी तो हर वर्ग को इसका लाभ।